बताए वो तुम्हारे रुमाल में बहुत लंबी चौड़ी हुई है। संडिल पहनो लो बनारसी साड़ी। तो बने हैं हाँ, तेरे जैसे तो नहीं बनाते हैं। बोल रही है मेरे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं राधिका ढोंडियाल एक बार फिर आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस ढोंडियाल में। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग तो आप लोगों को पता होगा ही, ब्लॉग देखा ही होगा, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक छोटे से गाँव बैड़ा से शुरू हो रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 3:15 हो गया मेरे ख्याल से। और मधु गई है किचन में चाय बना रही। तो मधु बना रही है चाय के साथ आज। ये देखो क्या कर रखा है इसने, असूती बन गई, पिट जाएगी कभी। मेरे से मजाक मत क्या कर, मुझे पसंद नहीं है। चुप रहा यार, ये तो पाला नहीं बन रहा, मिल एक गैस नहीं बाल पा रही है ये। बप्पा क्या शौक बन होगी। इसने ना मैगी और मैक्रोनी एक साथ उबाली हुई है। क्या बनाएगी? मैगी पास्ता। मैगी पास्ता बन रहा है आज तो। क्या बोले यार इसको। इधर है चाय, ये जानी था ले गूटा लो। ये देखो दोस्तों, आप तुम जरा से तो ना भैया, आज मैं थका फिर दूध डालते हैं इसमें। आज ना भूख लग गई थी, मैंने मधु को बोला चल कुछ बना दे यार, नाग नहीं पा दिया वो कौन था। तो थोड़ी सी मैगी, वो पास्ता था और मैगी थी। तो मधु ने बोला कि मैं मिक्स बना रही हूँ, मैंने बस फोन में देखा था। कल भी तो बनाया। हाँ इसने ना कल भी बनाया था अपने लिए, खुद ही खुद बनाया। मैं क्यों बनाऊँ, जब तू तो खाए हैं तब ब्लॉग बनाऊ मैं है। तो फाइनली बन चुका है मधु का मैगी और पास्ता। डॉगी भी आ गया करूं जी। तो मैंने अभी टेस्ट किया तो अच्छा हो रहा है। तो आज से मीटिंग, सब यहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक बिस्किट वगैरह। इसको देखो दूसरा ग्लास पी रही है। हाँ ऊपर गांव में ऐसी मीटिंग थी तो सब लोग चले गए, फिर मैं, मेरे को भी बुलाया, मैं भी चली गई। क्या फंस गया छड़े? क्या यार पागल है, छड़े नहीं गए छड़े वो भी बिल्कुल गया मिल जाए। दोस्तों इसके ऐसे उल्टे काम रहते, कभी नहीं करेगी ऐसे उल्टे काम। रुक जाओ यार अभी कुछ भी। तो फिर ताऊ जी ने, मतलब 2-3 ताऊ जी थे तो वो मतलब रिटायर हुए थे, तो उन्होंने फिर पार्टी दी रिटायरमेंट की। सबने बोला कि आज तुम्हारी तरफ से ही पार्टी हो जाए। तो फिर कोल्ड ड्रिंक बिस्किट वगैरह जो भी थे, मधु को बिस्किट भी मिले, तुम्हें भी मिला है, तुमने तो खा लिया, मैंने तो सुबह के लिए रखे। तो अभी सब फिर अपने अपने घर पे चले गए, हम भी आ गए हैं। और मतलब मीटिंग भी गांव के पर्पस से हुई थी कि गांव में ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अच्छी बातें हैं, करना भी चाहिए, है ना। तो चलो देखते हैं अभी। और मौसम क्या बोले। और हमारे तो यहाँ पे जो बद्री विशाल का मंदिर है, यहाँ पे भजन भी स्टार्ट हो चुके क्योंकि अब
पूजा पाठ का टाइम भी हो रहा है, तो मतलब जो गांव के बच्चे होते हैं वो यहाँ पे भजन वगैरह मतलब वो लगा लेते हैं स्पीकर वगैरह, और फिर अभी 7 बजे शायद मेरे ख्याल से पूजा वगैरह होती है। डॉगी डॉन भी आ गए मेरे दोस्त, एक ही रहा एक ही रहा। अभी मैं छत पे हूँ और मतलब अब हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है। मैंने स्वेटर चेंज कर ली क्योंकि वो मेरी सिस्टर की स्वेटर है और वो गंदी हो रही है सच में यार, क्या बोलूँ मैं। तो ये मधु की थी तो मधु ने दी मुझे कि ये वाली पहन लो, ये घर पे ही थी शायद मेरे ख्याल से, तो घर के लिए तो ठीक है ना। तो अभी मधु नहीं आई है, वो रोड पे चली गई थी, मैं तो नहीं गई, तो इसलिए मैं छत पे बैठी हुई थी। तो ऐसा कुछ है, और अभी सब्जी का भी कुछ जुगाड़ वगैरह नहीं है। देखो फेस पे ना ऐसे पिंपल हो गए ना मेरे, इतना दर्द हो रहा है ना, क्या बोलूँ मैं यार सारा, ये देखो क्या बोले। और मंदिर में भजन लगे हैं, हल्का हल्का पीछे से साउंड आ रहा होगा है ना। तो अभी अंधेरा भी हो गया है और मधु भी नहीं आई है अभी, तो चलो पहले मैं हाथ पैर धुल के धूप वगैरह जला लेती हूँ, तो उसे कॉल करूँगी। अंधेरे में लाइट का पता ही नहीं चलता। चलो बुलावा आया है, माता ने ब्लूटूथ ऑन ही रह गया मेरे ख्याल से, पापा का ब्लूटूथ है, पापा भी याद कर रहे होंगे मेरा ब्लूटूथ क्योंकि दिन रात ना पापा लगाए रखते थे कान में, तो मैंने बोला जब मैं गांव जाऊंगी मैं लेके जाऊंगी, तो आजकल बड़ी मुश्किल आ रही होगी सच में पापा को बिना इसके सुनने में ना। तो चलो मजाक बहुत हो गया, आप पूजा कर लेते भले है ना। पंच बदरी पंच केदार पंच पराग अखिचन पंच पराग अखिचन पंच पंडो बियनि अख भाग हमरा धन धन भाग हमरा धन धन कुनिचन एक ताल चिन मठ यखि महान चिन मठ यखि महान चिन कर्पूर करम करनावता संसार सारम पुछ केंद्र हारम सनोर संतम। ए आ गई है, वहां बैठी हुई है, कहाँ है? मैंने अभी इसको कॉल किया तो मुझे झूठ बोल रही है, पर मैं दमगड़ी हूँ, मतलब एक जगह है ना आगे यहाँ से, तो वहाँ बोल रही है मैं वहाँ हूँ। इसकी हरकतें देखो जरा, तो अभी भूख भी नहीं है, लेकिन मैं तो बोल रही कि बाद में भूख लग जाएगी, तो बनाना तो है। ये ऊपर दीदी है ना मूर्ति की मम्मी, उन्होंने हमें वो दे रखे हैं प्याज के पत्ते। हाँ तो मधु बोल रही है कि एक रोटी खा लेते हैं, मधु बोल रही है मैं बोल पराठे बनाऊंगी तो एक एक खा लेते हैं, मैंने बोला ठीक है, तो मधु ही बना रही है। तो प्याज के पत्तों की तो मधु वो बनाएंगी रोटी है ना सुबह, तू भी बनाएगी ना? मुझे नहीं आती। हाँ हाँ मुझे नहीं आती, आता इसको सब कुछ है लेकिन जान बुझ के बोलते हो दोस्तों। गाँव की मिर्च है कम ही रखा, ये थोड़ी सी आलू की सब्जी बची थी सुबह की, आलू की सब्जी बनाई थी सुबह, तो उसी में खा लेंगे। पता है इसने ना आटे में नमक रखा, मुझे पूछ रही है नमक ठीक है, बस मैंने बोला मुझे क्या पता है कौन से मैंने टेस्ट कर लिया, मुझे तो ना बिल्कुल भी भूख नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं है, पर बना के रख देंगे थोड़ी देर में, देख सुन रहे हो जरा मुझे क्या पता, मैं गिनती जब मैं बोलती उसको सो जा सो जा सो जा, मैं सो आती निभिया नहीं बाल में ऐसे मिला नहीं, नींद नहीं आ रही, सुन लिया मुझे नींद नहीं आ रही,
अब मैं इसके पीछे लगी थी, सो जा क्योंकि पता है इसका क्या सीन है, अगर मैं सो गई ना तो इसको ना फिर मतलब ये फोन पे लेके रहेगी तो इसको डर लगता है। यहाँ पे बोल, फेस टू फेस बोल, मुझे डर नहीं लगता। आज दिखाऊंगी इनको क्योंकि इनको अभी नींद आ रही है, मुझे नहीं आ रही। अच्छा अब दिखाऊंगी मैं, रहन दे चल रहन दे, अभी इसको ये नहीं पता ना कि कुछ है, कोई है दोस्तों। डर गए रे, ओह माय गॉड, मधुबाला जी के डायलॉग। मां कसम यार, नहीं देखो मेरे डायलॉग, आपने सुना होगा ना मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊ, वही डायलॉग है इसके साथ भी। वही लाइट आ रही है डर से, जल्दी बना, भूख लग गई अभी तो। बोलो भूख ही नहीं है, भूख नहीं है अभी सच में, बिल्कुल अब खाना तो है। संडिल पहनो लो बनारसी साड़ी, आटा गूंद के अब बारी है, अब गोलियां पहले बना ली, दो दो बल तेरे लिए, दो मेरे लिए। यार देखो बाप रे, इतनी ताकत भी नहीं लगांदा भाई, पता इसने ना सारी गैस खत्म कर ली दोस्तों। खबर बाल दे, ये देखो कितना झूठ सफेद झूठ दोस्तों, खबर बाल दे। पर मैं बोलूं नहीं तो त्या बुरा के उनका खुद बना देता, आप देखो नहीं भी। हाँ ये कौन सा, ये कौन सा जमाने का पराठा है जरा मुझे भी बताना। हाँ तेरे जैसे तो नहीं बनाते, बोल रही है मेरे जैसे तो बना लिया बल तुमने, ठीक है वैसे चलेगा, इतना बुरा भी नहीं है, आता है नहीं ये। हाँ ठीक है ना, ससुराल में खिलाएगी ना फिर अपने पति परमेश्वर। सर आ गई तो सर आ गई, सर माय गॉड, ध्यान ही नहीं दे। ओए होए शर्मा गई का फोन काट दी मम्मी यार, क्या ए सावास 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 सावास, मेरे साथ रहेगी ना बहुत कुछ सीख जाएगी तू। चुप रहा है, चुप रहा। ओहो तेरी इन अदाओं ने पागल मुझे कर दिया, मतलब मैंने लगा तू बना रही है ना तो खुद बना। तो फाइनली पराठे भी बन चुके हैं, गिन के चार बनाए हैं, दो मधुबाला के लिए, दो मेरे लिए, और मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैंने तो बोला है कि ऊपर ही ले जाएंगे, तो जब मुझे भूख लगी मैं खा लूंगी मधु। तू खा रही है ना, देखूंगी देखूंगी, देख ही ले तू, ले मेरे को देख ले, गरम गरम खा लो गरम। हाँ यार हमारे घर में सबसे बूढ़ी है ये लड़की, गरम गरम खा लेगी, गरम गरम न्यूज ले, दांत नीचे दबे दांत तो दिखो, दांत दिखो, दांत दिखो, दांत दिखो। चूल्हे पे बोलेगी, बाहर नहीं बोलेगी। मम्मी का भजन पूरा भाई सुन दे जरा, मैं सुन दे जरा, मैं सब्सक्राइबर हूँ तभी अपन भजन। तेरी मुरली में क्या जादू है मेरा मनमोहना, मैं घास कटने पीछ रही हूँ मेरा मनमोहना। सच मेरे मार्क्स में आज सच में मजाक मस्ती बहुत हुई, अब सभी देखो इतनी सी हो जाएगी है ना, थोड़ा थोड़ा दोनों के लिए एडजस्ट कर लेंगे। तो खुशबू देखे ना, अब मेरा थोड़ा थोड़ा खाने का मन हो गया, खा ही लेती हूँ ना, आगे भी मेरे को ही खाना है, पीछे भी मेरे को ही खाना है ना, क्योंकि मेरा हिस्सा है तो खा ही लेती हूँ दोस्तों, देखा ही जाएगा। या सवास सवास, काम करते करते बर्तन भी धुल गए, ये ऐसे लड़की चाहिए आप तो ले जाना आप हमारे घर पे। मधु बोल रही है कि बल पराठे में ही दे दो, कभी ऐसे ही खाते थे गांव में है ना मधु,
है। हाँ तो चलो मैं भी खा लेती हूँ, भूख लगनी आप कानून जो सावास सावास। तो खाना खा लिया है और किचन में ताला लगा के आ चुकी हूँ मैं, और मधु यहाँ मिट्टी वाले किचन में लगा रही है, लगे उससे लगता भी नहीं है। तो आ चुके हैं हम एक बार फिर से अपनी कुटिया में, और बाल बांध रही है। तो खाना ना करते करते खा ही लिया दोस्तों, ऐसी हूँ मैं। टाइम हो रहा है 8:30। तो अब आज का दिन तो कुछ ऐसा ही रहा जो आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों। चलो दोस्तों करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। तो आई होप आप सब लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ, तब तक लिए बाय दोस्तों।